अनबॉक्सिंग इन्फिनिक्स जीरो अल्ट्रा स्मार्टफोन। तो बॉक्स को ओपन कर लेते हैं और देखते हैं क्या कुछ हमें यहाँ पे प्रोवाइड गया है दोस्तों इन्फिनिक्स की तरफ से एक धमाकेदार स्मार्टफोन के अंदर। तो बॉक्स को ओपन करने के बाद प्यारे से स्मार्टफोन इन्फिनिक्स जीरो अल्ट्रा स्मार्टफोन को निकाल लेते हैं। इसकी डिस्प्ले काफ़ी तगड़ी है दोस्तों एंड बॉक्स कंटेन में दोस्तों एक लीड देखने के लिए मिल जाती है ब्लैक कलर की। इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे सिम इजेक्टर टूल एंड कुछ गाइडलाइंस मिल जाते हैं सेम यानी कि आपको इन्फिनिक्स के आजकल कोई रीड नहीं करता। नेक्स्ट में यहाँ पे हमें टाइप सी टू टाइप सी डाटा केबल मिल जाती है एंड दोस्तों यहाँ पे दोस्तों एक देखने के लिए मिल जाती है हमें हेडफोन एंड उसी के साथ में दोस्तों यहाँ पे हेडफोन अच्छी क्वालिटी की देखने के लिए मिल जाती है। नेक्स्ट में दोस्तों एक मिल जाता है 180 वाट का फास्ट एडाप्टर जिससे हम अपने स्मार्टफोन को चार्जिंग कर पाएंगे मैनुअली एंड गाइज ये अडाप्टर काफ़ी द बेस्ट आपको मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों अपने यहाँ पे हमें टाइप सी वाला डोंगल देखने के लिए मिल जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा बेस्ट आपको मिल जाती है स्मार्टफोन के अंदर। तो गाइज स्मार्टफोन के डिस्प्ले की ओर बात करने वाले हैं दोस्तों इस फोन के अंदर फ्रंट में हमें 6.78 इंचेस की आपको अमोलेड डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाती है एंड इस फोन में हमें दोस्तों एक चीज़ अच्छी लगी दोस्तों फ्रंट कैमरा जो कि मिल जाता है 32 मेगापिक्सल का जिससे आप अपने स्मार्टफोन से कैप्चर फोटो काफ़ी अच्छी खींच सकते हो। इस फोन के अंदर हमें एक मिल जाती है जो कि है 45 इंच की बैटरी के साथ और गाइज इस फोन के अंदर में यहाँ पे गोरिल्ला ग्लास का 5 प्रोडक्शन देखने के लिए मिल जाता है। 120 हार्ट की रिफ्रेश रेट आपको देखने के लिए मिल जाती है इसी स्मार्टफोन के अंदर। सो गाइज यहाँ पे परफॉर्मेंस की बात करो तो मीडियाटेक डायमेंसिटी का यहाँ पे 920 वाला प्रोसेसर देखने के लिए मिल जाता है और यहाँ पे सेटिंग्स वगैरह आपको देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पे कस्टमाइज सेटिंग्स हैं जिससे यहाँ पे चेंजेस भी कर पाएंगे अपने इसी स्मार्टफोन से इन्फिनिक्स जीरो अल्ट्रा स्मार्टफोन में। एंड इस फोन के अंदर एक अच्छा यहाँ पे ट्रिपल रियर कैमरे का सेटअप देखने के लिए मिल जाता है जो कि आपको पता है 200 मेगापिक्सल का एक प्राइमरी कैमरा प्लस 13 मेगापिक्सल का कैमरा प्लस 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर एलईडी फ्लैश के साथ में स्मार्टफोन देखने के लिए मिल जाता है एंड बेजलेस विद पंचुअल डिस्प्ले आपको देखने के लिए मिल जाता है। बल्कि यहाँ पे कैप्चरिंग के मामले में स्मार्टफोन इन्फिनिक्स की तरफ से जीरो अल्ट्रा स्मार्टफोन जो कि अच्छा रहने वाला है फोटो कैप्चरिंग के मामले में जो फोटो से अच्छे खासे आपको मिल जाए क्योंकि इस फोन के अंदर 200 मेगापिक्सल का एक कैमरा देखने के लिए मिल जाता है। फोन में हमें बहुत हाईलाइट वर्जन देखने के लिए मिल जाते हैं जो कि इफेक्टेड एंड स्लो मोशन पोर्ट्रेट बहुत सारे मिल जाते हैं। स्मार्टफोन के अगर दोस्तों प्राइस की बात कर लें तो दोस्तों इस फोन का प्राइस 20,000 अराउंड में होने वाला है एंड इसी स्मार्टफोन दोस्तों यही मंथ में लॉन्च होने वाला है दोस्तों 5 या 10 दिनों के अंदर। तो गाइज स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा बेस्ट में बेस्ट प्राइसिंग के साथ आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो गाइज बहुत काफ़ी अच्छा दोस्तों मेरे को लगा स्मार्टफोन दोस्तों।